लतीफ, लतीफ, लत आप क्या कर रहे हैं यहां पर? बेगम साहिबा ने लतीफ को किसी काम से बाहर भेजा है और बेगम साहिबा का कहना है कि कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। खा लो, अब शक्ल से कुछ और है और लगते कुछ और, और फ्री में तो आप एक वक्त का खाना भी नहीं खाते, तो आज इतना बड़ा काम वो भी मेरे लिए। बोलिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए तो बोलिए ना, मैं देता हूँ। नहीं नहीं, लेन देन की बातें फिर कभी, प्लीज हैव ए जूस। खा लो, जाइए। ओके बेटा, पी लेना है। तुमने बिल्कुल सही कहा आइल बेटा, मैं सच में कोई भी काम फ्री में नहीं करता। एक बहन बेहोश हो गई, अब दूसरी का हाउस में आने का वक्त आ गया है। सुनहरी, मैं माउस ट्रैप ले आया हूं, चूहे क्या चीटियां भी नहीं काटेगी तुम्हें अब। सुनहरी, सुनहरी, सनम, सनम,
तो गजाला रजाक, मजा आया ना? मजा तो आना ही था, इस शाल के लिए हमने इतनी मेहनत चुकी थी। माशाल्लाह बेगम साहिबा, वो हो तो बेगम साहिबा जैसा, वरना ना हो। दिल दिल तो बच्चा होता है। अरे वो जो, अरे वो जो शातिर जाली चलता है, जंगली भेड़िया। अरे वो जो तुम्हारा यहाँ है, यहाँ जो हम दोनों का यहाँ है, वो दिमाग। हाँ, क्या बात है, मानना पड़ेगा। बेचारी सनम, दुनिया में सिर्फ दो ही लोग तो थे जिनसे उसने बेपनाह मोहब्बत की, और उन दोनों ने ही उसे धोखा दे दिया, सुनहरी और आहिर। इन दोनों को सनम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानती हो गजाला, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, लेकिन धोखा, धोखा कभी नहीं। सुनहरी और आहिल के बीच गुजरी हुई ये रात सनम मरते दम तक नहीं भूल पाएगी। बेचारी, इसे बर्दाश्त करेगी ये सब कुछ? आहिर से तो सनम का दिल टूट ही गया है, और बेचारी सुनहरी को भी कभी माफ नहीं कर पाएगी। हाँ, रही बात रेहान की, दिल तो रेहान का भी टूटा है। सुनहरी का गुजरा हुआ कल भुलाकर वो उसे दिल से लगाना चाहता था, लेकिन अब तो हमेशा उसे यही लगता रहेगा कि सुनहरी ने उसे धोखा दिया है। देखा कैसे एक ही रात में हमने दोनों बहनों को बर्बाद कर दिया। अब हमारे दोनों बेटे हमारी मुट्ठी में आ जाएंगे। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। बहुत बुरा हुआ ना तुम्हारे साथ, या अल्लाह, एक सौतन कम थी इस घर में, जो दूसरी भी आ गई, वो भी तुम्हारी जुड़वा बहन। अब बहन ही बहन की दुश्मन बन जाएगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। हम जानते हैं कि तुम्हारी एक जुड़वा बहन भी, वो क्या कहते हैं, ठग जुड़वा बहन, क्या नाम है उसका, सहर, सहर नाम है ना। सनम तुम भी ना किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास कर लेती हो, जैसे अपनी बहन पर कर लिया, उस बहन पर जो ठग है। अब देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया, अपनी इसी बहन के साथ मिलकर तुम हमें मात देना चाहती थी ना, लेकिन क्या हुआ, तुम्हारी बहन ने तुम्हारा पत्ता साफ कर दिया, तुम्हारे शौहर को तुमसे छीन ली। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि सब कुछ पालो, लेकिन दिल में ना गलतफहमी बिल्कुल मत पालो। अब तुम दोनों ने इतनी बड़ी गलतफहमी पाली कि हमारे घर में रहकर हमसे ही आग पुछलो खेलती रहोगी और हमें पता नहीं चलेगा। इंसान को खुद पर हद से ज्यादा यकीन करना कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है, जैसा तुम्हें पड़ गया। अब तुमने अपनी बहन पर यकीन किया ना, लेकिन उसने क्या किया, तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया। और आहिल, जिसके अंदर तुम्हें तुम्हारी पूरी दुनिया नजर आती है, अब जब तुम आहिल की तरफ देखोगी तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ धोखा दिखाई देगा जो तुम्हारे शौहर और तुम्हारी इस जुड़वा बहन ने तुम्हें दिया। देखो ना सनम, एक ही रात में हमने उस कहानी से एक नई कहानी लिख दी। अरे हाँ, तुम्हारी वो जुड़वा बहन कहाँ है? अभी तक हमारा उससे अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ ना, तो अपनी बहन से हमारा इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे क्या? मिले तो, कहाँ है वो, कहाँ चली? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी आहिल के बिस्तर में ही है? कहाँ है तुम्हारी जुड़वा बहन? हो गया। कब से बेवकूफों की तरह अकेले ही बोले जा रही हो, अकेले ही हंसी जा रही हो,
कुछ बोलने का मौका दोगी तो मैं बताऊंगी कि तुम कितनी बड़ी पागल हो। और वैसे भी तुम्हें तो इंट्रोडक्शन की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिसे तुमने ये लंबी सारी कहानी सुना दी है ना, वो लड़की तो शहर है और मैं और बेगम साहिबा तो एक दूसरे को बहुत देर से जानते हैं। लेकिन आज जो मुझे मौका मिला है वो अक्सर नहीं मिलता, बेगम साहिबा का शुक्रिया अदा करने का मौका। मुझे माफ कर दीजिए बेगम साहिबा, आपकी वजह से चाहे एक रात के लिए सही, मुझे अपनी शौहर के बाहों में सोने का मौका तो मिला, और वो लड़की जिसने अभी आपके पीछे एंट्री मारी है वो है मेरी जुड़वा बहन सनम। आप हैं भोपाल की अंधी नवाबन जिसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है। गंदे दिमाग की दुकान, ये तो पता लगा लिया कि हम दोनों जुड़वा बहने, लेकिन ये कैसे भूल गई कि हम लोगों के खून ही नहीं दिल भी जुड़े हुए। एक पे खतरा आएगा तो दूसरे को पता चल जाएगा, हरा नहीं सकते तुम हम दोनों को, समझी? रेहान भी ना, इतनी देर लगाता है क्या कोई? और सनम को क्या हो गया? देखाऊं क्या जाके? पापा, आहिल की गाड़ी? सनम! ठीक कहा है किसी ने, टैलेंट कभी वेस्ट नहीं होता। सनम, सनम, सनम उठो उठो। जब खाला ने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश किया ना, तब होश आने पे मुझे समझ आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, और फिर इस तरह शहर के कमरे में चूहों का आ जाना, उसे काट लेना, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और उसके बाद मैं समझ चुकी थी कि आपको हम दोनों के बारे में कुछ तो पता चल चुका है। बस फिर क्या था? शायद इन लोगों को पता चल गया कि हम दो हैं, मुझे भी ये लगता है। लेकिन अगर उन्हें ये लगता है ना, तो हमें उन्हें गलत साबित करना होगा। ओके, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया ये है कि तुम्हें शहर बनना होगा और मुझे सनम बनना होगा, एक दूसरे की जगह लेनी होगी, कपड़े चेंज करने होंगे। लेकिन इससे क्या बाहर आओ? अरे लेकिन बोल रही हूँ ना, बाहर आओ, जल्दी आओ। ओके सनम, शहर बन जाओ। क्या हुआ बेगम साहिबा, होश उड़ गए? हो गई ना टाइट टाइट फिस? काश आप अपने हसीन चेहरे को देख सकती कि किस तरह 12 बजे हुए। इसीलिए मैंने कहा था, जो इतनी लंबी कहानी तुमने शुरू में सुनाई ना, फिजूल थी वो। और आप जानती हैं, पहले तो आपकी हरकत पे मुझे इतना गुस्सा आया कि दो कान के नीचे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नीम के पेड़ पे आम तो लग ही नहीं सकते, और तेरे जैसी औरत जिसने खुद पैसे के लालच में आकर अपने बेटे को अपने से इतना दूर रखा, वो औरत हमारे लिए क्या अच्छा कर सकती है? नहीं, मुझे कह रहे हैं मैं टेंशन नहीं लूं, और हर 10 मिनट में मुझे फोन किए जा रहे हैं। मैं ठीक हूं राहत। तुम ठीक हो क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ठीक रहो। राहत का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? फैज, राहत कहां है? क्या किया तुमने उनके साथ? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मुझसे तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। भैया देखो ना, मेरे भाईजान भी कितने बेवकूफ हैं। तुम्हारे पीछे पूरी फौज छोड़ गए और खुद अकेले सीना तान कर बिना किसी सिक्योरिटी के बाहर चले गए। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता हूं, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। तो वो ये कैसे भूल गए कि तुम्हें चोट पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है वो खुद राहत। आखिर तुम्हारी जान उन्हीं के अंदर बसती है ना, तो अगर उन्हें कुछ हुआ
तो तुम्हारी जान निकलना तो लाजमी है। प्लीज। और अगर एक बार मैंने उनका किस्सा खत्म कर दिया तो तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज राहत से दूर रहो, मुझे कुछ मत करो प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो हेलो हेलो, कुछ कीजिए, राहत की जान खतरे में, वैसे उन्हें पकड़ लिए, प्लीज कुछ कीजिए, वो उन्हें मार डालेगा प्लीज। देखिए मैडम, आप परेशान मत होइए, उन्हें कुछ नहीं होगा। आप खड़े क्यों हैं? मैं आपको कुछ कह रही हूँ, फैज उन्हें मार डालेगा, प्लीज कुछ कीजिए। देखिए मैडम, राज सर को कुछ नहीं होगा, अभी बस कुछ ही देर पहले हमारी उनसे बात हुई थी। हाँ मैम, उन्होंने किसी पीसीओ से फोन किया था, वो बता रहे थे कि 10 मिनट पहले उनका मोबाइल चोरी हो गया है। आप ठीक है ना मैडम? आपको पता है बेगम साहिबा, आपकी सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है? आपने कभी किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं की। अगर की होती तो आपको पता चलता कि किसी पे यकीन करने से खूबसूरत जज्बात कोई और नहीं हो सकते। अगर आपकी समझ होती तो आपको पता चलता किसी पे यकीन करने के लिए आंखों की जरूरत ही नहीं होती। यकीन होता ही वो है जो आंखें बंद करके किया जा सके। और मैं जानती हूँ अपनी बहन को, गलती से भी वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। अब चलो छोड़, बहुत हो गई बातें, अब काम की बात करते हैं। अब देखिए, पहली बार हम आपने सामने बात कर रहे हैं और आपको मेरा इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन मिला है, तो क्या है, मैं आपको एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। खुद जाइए चुपचाप आहिल के पास और उसे बताइए अपनी असलियत, वरना अगर आप नहीं गई ना बेगम साहिबा, तो मैं और सनम चले जाएंगे और आहिल के सामने आपका सारा पर्दाफाश कर देंगे। और जब आहिल हम दोनों को एक साथ देखेंगे तो वो मान ही जाएंगे और आपका सारा खेल खत्म। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन हमारी भी एक बात याद रखना, तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आहिल को हमसे कभी अलग नहीं कर सकते। तुमने ही कहा था ना सनम कि आहिल हम पर आंख बंद करके यकीन करता है, तो हम भी इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि तुम दोनों बहनें हमारे आहिल की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ और तुम दोनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम भी समझ रही हो ना? एक बात बताऊं बेगम साहिबा, हम एक और एक दो नहीं। हम एक और एक 11 है और आप अकेली। हमें हराने के ख्वाब छोड़ दीजिए, हम वादा करते हैं बड़ी अम्मी, खून जमा है रगों में उसमें नई रवानी भर देंगे, मौत से डरना खौफ से रोना रसम पुरानी कर देंगे, सर पे हाथ खुदा का है हम आपको पानी कर देंगे, शुरू जो की है दुश्मनी वो खत्म कहानी कर देंगे।